Okay. So great. Good evening to all of you. Good evening to all of you. I'm sharing this session. This is Self-Focus program. We all are here. Basically, I have a community, Self-Focus community. Lot of members are there in my community. So today, you are actually unknown. What is this all? So I'll explain you one by one. बट इनिशियली मैं एक छोटा सा टेस्ट करूंगी आप लोगों के साथ कि आप सबकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसी है, राइट? ओके, तो इसके लिए हम छोटी सी आई एक्सरसाइज करेंगे. आई थिंक आप लोगों को पता भी होगी, बट स्टिल आई विल चेक इट योर कॉन्सेंट्रेशन. माइट बी आपको छोटी सी लगे, बट स्टिल हम करेंगे इसको. और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, मैं एक बार सच में चाहती हूँ कि आप लोग अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है हमारे सेशन का वो ये, जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले हम सब स्माइल करते हैं. सो आई जस्ट वांट अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस. आपकी स्माइल मेरी एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा. सो गिव मी अ बिग स्माइल फॉर योर, मतलब दिस इज एक्चुअली अ बिग थिंग फॉर मी. गिव मी अ बिग स्माइल. कविश इज देयर, बहुत अच्छी स्माइल नहीं आ रही कविश. मतलब यू शुड हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस. बिग स्माइल निशी जी, आज स्माइल का मजा नहीं आ रहा मुझे. हाँ हाँ, अब आ गया. आपकी स्माइल मेरी एनर्जी होगी, ध्यान रखिएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेशन है वो वंडरफुल जाए, तो आज आपको मेरे साथ एक छोटी सी स्माइल करनी होगी. सिर्फ छोटी सी, एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे मेरे लिए एनर्जी हो जाएगी. लवलीन जी, आपके फेस पे स्माइल नहीं है. नेहा जी, बहुत प्यारी स्माइल है. थैंक यू सो मच. मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान ना हो तो दिन शुरू नहीं हो सकता. नीलम जी, बहुत प्यारी स्माइल है. हर्षा जी की बहुत ही प्यारी है. हिमांशु जी अभी सोच रहे हैं मैं स्माइल करूं या नहीं. हिमांशु जी कि मुझे बताओ पहले क्या है, अदरवाइज आई विल नॉट स्माइल. बट नाउ ही हैज डन. ग्रेट ग्रेट, रियली हैप्पी टू सी दिस. मुस्कान जी अभी भी डाउट में है मैं स्माइल करूं या नहीं. निसिम भी डाउट में है. ओ निसिम, यू आर एक्चुअली अ चीयरफुल बॉय, यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. Still members are not opening their videos. Why don't you have confidence? Just have a little bit confidence. मैं तो session में busy हो जाऊंगी obviously. I will not see कि आप लोग अपनी videos on करके बैठे हैं या नहीं. So if you want, so be ready and give me a big smile. काफी सारे members ने मुझे अपनी smile show कर दिया. Thank you so much for making my day so special. So smile is the main ingredient of your life actually. तो वी आर स्टार्टिंग. हमने कहा कि हम आपकी कॉन्सेंट्रेशन को सबसे पहले चेक करेंगे, जिसके लिए आप लोग जहां भी बैठे हैं, अगर आप फ्लोर पर बैठ सकते हैं मैट के साथ, देन इट इज फाइन. अदरवाइज आप चेयर पे भी कर सकते हैं. तो जब भी हम फ्लोर पर बैठेंगे, हमारी जो पोजीशन है, हम क्रॉस लेग भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे प्रॉपर. खुल के जीना सीखना है हमें, खुल के जीना है. भाग तो रहे हैं हम लोग, पूरा दिन अपने काम में बिजी है, भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं. हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है. तो इसीलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये सेशन प्लान किया है, दैट इज सेल्फ फोकस, जिसपे आप टाइम लगाएंगे सिर्फ अपने आप से. तो पहली हमारा जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होगी, वो हमारा सिटिंग पोस्चर होगा, जिसके लिए हमारी बैकबोन पूरी तरह स्ट्रेट होगी. जहां भी आप बैठे हैं, जैसे भी आप बैठे हैं, डजंट मैटर. आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं, गाड़ी में बैठ सकते हैं, ऑफिस में बैठ सकते हैं, डजंट मैटर. बट आपका बैकबोन पूरी तरह स्ट्रेट होना होगा, जरूरी है, ध्यान रखिएगा. क्योंकि आजकल लोगों की हैबिट हो गई है ऐसे बैठने की. ओह माय गॉड, मैं बहुत सता हुआ. ओह नो, बहुत काम कर लिया. नो, बी अलर्ट ऑलवेज. यस, जस्ट पार्डन प्लीज, किसने बोला था? कैन यू रिपीट? आई डोंट नो, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं जान सकती. मैं स्पेशली आपसे कह रही हूँ, आपको वीडियो तो ऑन करनी होगी. हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो मैं सबको नहीं देख सकती अगर आपकी वीडियो ऑफ हो, राइट? तो आपका सेटिंग पोस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. फर्स्ट थिंग जो हम इस सेशन से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हमारा सेटिंग पोस्टर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, राइट? क्लियर टू एवरीबडी? तो हम आते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे. कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए आप लोग अपने थंब को यूज करेंगे. आप लोगों ने एक्सरसाइज सुनी भी होगी, हमारी आई एक्सरसाइज है, जिसमें मैं अपना
जितने बांटना था मैं अपनी आईज के सामने रख रही हूँ पूरी तरह से स्ट्रेट, आपको आई थिंक विजिबल होगा, किसी को नहीं है तो प्लीज करा दीजिएगा। राइट एवरीबडी बी रेडी, आपका जो थंब है आपकी आईज के बिल्कुल सामने है, राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड तो रहा है, आराम करने दीजिए लेफ्ट हैंड, ठीक है। ओह माय गॉड, राइट मेघा जी, जस्ट हैव अ लुक, बाय माइट बी समवन इज डिस्टर्बिंग, यू कैन रिमूव हिम और हर, नो इश्यूज आर देयर, राइट। सो दिस इज द थिंग कि मैं अपने थंब को अपने सामने रख के इसे मूव करूंगी टुवर्ड्स राइट, राइट हैंड का थंब है राइट साइड पे मूव करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत धीरे से करना है, मेरी आईज थंब पर टिकी रहेंगी और मेरी गर्दन सटी एक जगह पर टिकी रहेगी, बहुत धीरे से पीछे जाना है, अपने थंब को देखते रहना है। मेघा जी आप ध्यान रखिएगा कौन अपनी गर्दन को नहीं हिलाता, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, जितना आप पीछे जा सकते हैं जब तक आपको थंब विजिबल है तब तक आप जाएंगे, और फिर बहुत प्यार से बहुत ही धीरे से आप वापस आएंगे। लेट्स सी, मेघा जी देख रही हैं किसकी गर्दन सटी पूरी तरह एक ही जगह पर टिकी हुई है, जिसकी भी हिलेगी गर्दन वो आउट, ध्यान रखे डाउन, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसके बाद हम लेफ्ट साइड से इसी एक्टिविटी को करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए हम लेफ्ट थंब को ऊपर लाएंगे राइट, इसके बाद हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे राइट, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत धीरे से बहुत प्यार से आप अपने कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने थंब पर, सिर्फ देखिए अपने थंब को, गर्दन नहीं हिलेगी, सटीक एक ही जगह पर टिकी रहेगी। Just have a big smile on your face in every situation. बहुत धीरे से आप वापस आएंगे, बहुत ही धीरे से और खींचे, ओके। तो मेघा जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई है जिसकी गर्दन हिल गई थी, इज इट मेघा जी? जितने वीडियोस ऑन हैं उनमें सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे बस हाँ आई थिंक छोटे बच्चे हैं ना, जैसे अभी कविश, कविश से जानवी जी ने लॉग इन किया हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा पहले नहीं किया था बट बाद में बेटर किया, बाकी सबने बहुत अच्छा किया। ओके ओके, कविश जी ना अभी थोड़ी सी टेंशन में है कि मैं स्माइल करूंगी नहीं, कविश जी अगर स्माइल करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको मजा आ जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से बहुत मजा आएगा, वीडियो ऑन कर लीजिए, शर्माइएगा मत, आप लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत ही क्यूट हैं, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप सेशन में वीडियो ऑन करिए जैसे भी है, नाइट शूट में वी विल एक्सेप्ट यू, नो इश्यूज आर देयर, ठीक है राइट ओके। विभूति नहीं, वृति गुप्ता इज देयर, ओके ग्रेट। ये जो थोड़े से मतलब बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, आपने ये एज ग्रुप, आप लोग सब अपने एज ग्रुप मुझे चैट बॉक्स पे सेंड करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे अपनी एज ग्रुप सेंड कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, अपने वीडियोस को ऑफ रखिए, सॉरी ऑडियोस को ऑफ रखिए, आप अपने चैट बॉक्स पे मुझे अपनी एज मेंशन कर दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके कशिश जी 17, कविश जी 11 इयर्स हैं, ओके तो भैया बच्चे तो बहुत खिलखिला के हंसते हैं, ग्रेट ओके ओके। मेघा दिव्यांशी जी देयर जो 12 इयर्स के हैं, ग्रेट बहुत बढ़िया, यहाँ बच्चे भी हैं और जो भी बड़े एडल्ट मेंबर्स आ गए, निशी जी 58 इयर्स के हैं, ग्रेट बहुत बढ़िया, शर्माइएगा मैं अगर किसी की एज बता दी तो, मैंने कोई बात नहीं। ईशानी 9 इयर्स, ग्रेट ग्रेट। गौरव, गौरव इज नॉट देयर, ओके माइट बी एब्सेंट टुडे, ओके ग्रेट। बस मतलब जितने भी बड़े लोग अवेलेबल हैं, गौरव ऑफिस का काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम है ना उसका, ऑफिस में वर्क है, अच्छा ओके ओके नो इश्यूज है, ठीक है। ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, मेंबर हैं गौरव जी, तो आज वो ऑफिस में बिजी हैं, उस टाइम नहीं आ रहे। भूमि चावला इज 18 इयर्स ओल्ड, ग्रेट बहुत बढ़िया,
मैंने देखा यहाँ पे जितने भी एडल्ट पीपल है ना, हिमांशु जी भी, वो लोग अपनी एज नहीं बता रहे, मतलब उन्हें लग रहा है कि किसी को पता ना लग जाए हम कितने साल के, दिखते तो हम बहुत ही जवान है लेकिन किसी को पता ना लग जाए कि हम कितनी एज के। इज इट हिमांशु, अभी आप अनमेरिड हो? ओके 25 ईयर, ग्रेट। कितनी मतलब जितने भी बड़े लोग हैं ध्यान रखिएगा, ये लड़का नौजवान है, अनमेरिड है, तो मतलब ही थिंग जेपी मैम आप मुझे फंसा रहे हो। आई एम राइट नाउ लीविंग द सेशन, मतलब मेरा डिसीजन हो गया, आप भी कहती। इज इट हिमांशु? ओके नहीं, ठीक। ओके सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग हमारे सेशन का रहेगा हमारा फेवरेट वाला प्राणायाम, जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है मैं उन्हें बता दूं, ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, भ्रामरी प्राणायाम से आपकी कोई भी प्रॉब्लम, लाइक अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको कोई स्ट्रेस होता है, तो आपके वो सारे स्ट्रेस को रिलीज कर सकता है इस आसन की, इस प्राणायाम की। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम यू आर फीलिंग स्ट्रेस, एनी टाइम यू कैन डू। और गौरव जी जो आज नहीं आए हैं हमारे मेंबर, वो इस चीज का ना बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल है एक्चुअली में, क्योंकि गौरव जी ने करके देखा, जब भी वो स्ट्रेस फील करते थे वो एनी टाइम इस प्राणायाम को करते थे और वो स्ट्रेस फ्री हो जाते थे। आज वो नहीं आ पाए हैं डजन मैटर, तो भी हम इसको आज करेंगे। और मेरा एक स्पेशल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मैं चाहती थी कि एक स्पेशली लवलीन जी यहाँ पर है, जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया मैं चाहती थी कि वो इस प्राणायाम को जरूर करें, मेरी उनके लिए स्पेशली थी, और आज मुझे खुशी है कि वो मेरे सेशन में भी आए हैं। तो मैं इस प्राणायाम को करना आप लोगों को बताऊंगी, और उसके बाद आप वन टाइम देखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? राइट, तो ध्यान रखिएगा, ये प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को, जिससे हम सबसे ज्यादा परेशान है, उसे क्या कर देगा, उसे छू मंतर कर देगा। तो अगर अपना स्ट्रेस छू मंतर करना है तो जस्ट फोकस कीजिए फॉर अ वाइल मेरे ऊपर, ठीक है? राइट, मेरे पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मैं कैसे इस प्राणायाम को कर रही हूँ, राइट? तो सबसे पहले अगेन हमारा फोकस क्या होगा, जिस भी पोजीशन में हम बैठे हैं हम अपने बैकबोन को पूरी तरह स्ट्रेट करें, हमारा बैकबोन पूरी तरह स्ट्रेट होगा, राइट? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो बैकबोन हमारा पूरी तरह स्ट्रेट है। इसके बाद हम अपने हैंड्स को ऐसे ओपन कर लेंगे लाइक दिस, हमारी जो फिंगर्स हैं इनमें टिल्ट नहीं आना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द पोजीशन। Like, किसी को कोई प्रॉब्लम है डजंट मैटर, फिर भी अगर आप जितना अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर पाए यू कैन स्ट्रेच लाइक ओके ग्रेट। ओके, इसके बाद आप अपने सेंसेस को क्लोज करेंगे। आपके सेंसेस क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे। ईयर्स को क्लोज करने के लिए आप अपने इस पार्ट को प्रेस करेंगे विद योर थंब लाइक दिस, आई थिंक विजिबल होगा सबको लाइक दिस। बहुत दबाना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि आपको बाहरी आवाज ना सुनाई दे, ठीक है? किसी भी अपने अंग को दर्द नहीं पहुंचाना, राइट? ठीक है? ओके, तो आप अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद आप अपने लास्ट फिंगर को लिप्स के नीचे रख देंगे, थर्ड फिंगर को लिप्स के ऊपर, जिससे कि आपके मुंह भी पूरी तरह बंद हो जाएगा, राइट? सेकेंड फिंगर आप अपने नोज पे रखेंगे, और फर्स्ट फिंगर आपको शायद हल्का सा टिल्ट करना पड़ सकता है, आईज पे रखेंगे। ध्यान रखिएगा आप किसी भी पार्ट को दबाएंगे नहीं, इसे हमारे सारे के सारे सेंसेस क्लोज हो जाएंगे। अच्छा जरा जल्दी से एक अच्छा इंस्टेंट सा क्वेश्चन है, जितने बड़े भी यहाँ पे हैं जितने छोटे भी हैं, सारे चैट बॉक्स में मुझे बताइए हमारे 5 सेंसेस कौन से हैं, जल्दी जरा बता दीजिए 5 सेंसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक लेट्स सी कौन सबसे फर्स्ट इसका आंसर करता है। लेट्स सी सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है मेरे पास। ओके, मेघा नो, दिव्यांशी का एक आंसर आया है हमारे पास, ग्रेट। ओके ओके, कविश आया है, कविश ने मुझे 4 आंसर दे दिया, 5 में से 4 आंसर तो उसने दे दिया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। भूमि चावला, ग्रेट, फुल आंसर दे दिया, 5 आंसर, 5 सेंसेस आ गया, ग्रेट। वृति ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ईशानी का आंसर देखो परफेक्ट है, पूरा आंसर है, ग्रेट। हिमांशु जी ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, हिमांशु जी गॉड ब्लेस यू, ग्रेट। ओके, मुस्कान जी का आंसर बहुत ही परफेक्ट है, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, मतलब अभी रिसेंट 5 to 7 मेंबर्स ने मुझे आंसर दिया। आई वांट एवरीबॉडी विल आंसर इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स गिव योर आंसर, वेट टू सी योर आंसर। आई थिंक मतलब बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सबको पता है कि हमारे सेंसेस कौन थे, तो अगेन हम इसी अपने सारे के सारे सेंसेस को क्लोज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारी फिंगर्स की कैसे पोजीशन होगी, ऐसी पोजीशन होगी हमारी फिंगर्स। इसके साथ ही आप ध्यान देंगे कि आपके एल्बो स्ट्रेट हो जाए लाइक दिस, आपकी अलर्टनेस भी आपका साथ देगी इस प्राइमरी काम का। बहुत बढ़िया, ये आपकी पोजीशन है राइट। इस पोजीशन में आपके लिप्स पूरी तरह बंद होंगे, मैं भी बोल रही हूँ तो मेरे को लिप्स ओपन करने पड़ेंगे, डजंट मैटर, बट आपके टीथ आपस में नहीं जुड़ेंगे, अंदर से आपके जो टीथ हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं राइट। आप अपने ईयर्स को पूरी तरह से बंद कर लेंगे और अपने अंदर एक साउंड करेंगे जस्ट लाइक मधुमक्खी की साउंड। मधुमक्खी इज लाइक इट इज हमिंग साउंड, कैसे साउंड होती है, हमिंग साउंड होती है, इट्स लाइक ये वाली साउंड, म की जो साउंड होती है वो हम करेंगे जब तक हम कर सकते हैं, हमारा सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा राइट। सांस लेंगे मैं इसको 2 times के लिए रिपीट करूंगी, आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। फिर बहुत प्यार से धीरे से आप अपनी आईज को ओपन कर लेंगे। हेलो, प्रीति गुप्ता जी, आई थिंक आप बार बार अपनी ऑडियो को ऑन कर रहे हैं। इफ यू डोंट वांट टू बी हियर इन द सेशन यू कैन लीव द सेशन, नो इश्यूज आर देयर। ओके ग्रेट, तो एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस प्राणायाम को कर लिए। ओके जस्ट अ मिनट, हम ध्यान रखेंगे जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के लिए हम सुख आसन में बैठेंगे, जैसे हम कंफर्टेबल है, हमें कहीं दर्द नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए, वी शुड बी कंफर्टेबल इन ऑल द सिचुएशन राइट। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिटिंग पोस्टर में हूँ, अगर आप चेयर पे बैठे हैं डजंट मैटर राइट। इसके लिए आप अपनी पोजीशन बना लेंगे, अगेन ध्यान रखिएगा आपका बैक बोन स्ट्रेट होना चाहिए, दिस इज अ वेरी फोकस्ड पॉइंट राइट। सो
हमारे हैंड की पोजीशन ऐसी होगी, हम अपने थंब और फिंगर को ज्वाइन कर लेंगे, राइट? दिस इज आवर पोजीशन, क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज ज्ञान मुद्रा और हम इसी के साथ मेडिटेशन करेंगे। आप अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लेंगे, आपकी आईज पूरी तरह से बंद है, जस्ट हैव अ लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस एटलीस्ट। क्लोज योर आईज फुली, तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस लिया, छोड़ दिया, सांस लिया, छोड़ दिया, सांस लिया, छोड़ दिया। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। हमारी सांसें चल रही हैं, कितनी अचंभे की बात है, इन सांसों के बिना हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। तो आइए फोकस करते हैं अपनी सांसों पर, हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपनी सांसों पर। हमारी नोज से ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं हम। थैंक यू सो मच, मेरी बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेवल है। थैंक यू सो मच टू माय ऑक्सीजन लेवल, थैंक यू सो मच। हमारी सांसें चल रही हैं, मैं एक नवजात शिशु हूं, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में स्नेह से रहता हूं, और माँ मुझे बहुत दुलार करती है। थैंक यू सो मच टू माय ममाज लैब, थैंक यू सो मच टू माय पापा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और जब मैं चलना सीख गई तो मुझसे कुछ दूर जाके खड़े हो जाते थे और मैं भाग के जाती थी, वो मुझे अपने आलिंगन में भर लेते थे। थैंक यू टू माय पापा आलिंगन, थैंक यू टू माय टॉयज जिनके साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी डॉल्स, मेरी कार्स, वाओ अमेजिंग फीलिंग आती है। मैं रोज विद करती हूँ, पापा आज मुझे न्यू डॉल चाहिए, हाँ पापा आज मुझे न्यू कार चाहिए, मुझे अपने टॉयज के साथ बहुत आनंद आता है। स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, जब मेरी ही उम्र के दोस्त यार फ्रेंड्स सहेलियाँ मेरे साथ होती हैं मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं खुल के हंस पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू माय स्कूल, थैंक यू सो मच टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाया, इतनी नॉलेज दी। ग्रेट, आई एम इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया, अमेजिंग फीलिंग। अ स्पेशल थैंक्स टू माय ड्राइंग फाइल जिसमें मैं अपने कोई भी थॉट्स ड्रॉ कर सकती हूँ। Really special thanks to my drawing friend. Thank you to my body parts. आइए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं
अपने बॉडी पार्ट्स पे, मेरे फुट्स जो मुझे हेल्प करते हैं चलने में, भागने में, दौड़ने में, डांस करने में. वाओ, अमेजिंग. थैंक यू टू माय फुट्स, थैंक यू टू माय लेग्स, ओह थैंक यू टू माय फिंगर्स जो हमेशा मेरा साथ देती हैं. पूरा दिन मैं इनसे कितना काम कराती हूँ फिर भी हमेशा मेरे साथ रहती हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू. वाओ अमेजिंग, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, परमात्मा मेरे साथ है और मुझे अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं. मेरी पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लोट हो रही है. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, अ पावरफुल सोल, एक पवित्र आत्मा. मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ. आप जो भी बनना चाहते हैं जस्ट उसे सोच के देखिए. मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. ओह दैट्स ग्रेट, मैंने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है और मैं हर किसी की हेल्प कर सकती हूँ. मैं सबको ठीक कर सकती हूँ. आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नॉलेजेबल, मैं सबको ठीक कर सकती हूँ. ग्रेट, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड. अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग. मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ. आई एम एनर्जेटिक, आई एम कॉन्फिडेंट, I am intelligent. Great. बहुत बढ़िया. आप अपने हैंड्स को रब कर सकते हैं. आपके हाथों में कुछ गर्माहट का एहसास होगा. इस एनर्जी को आप अपने आईज पे रख देंगे और अपने बॉडी पे भी इस एनर्जी को फ्लोट कर देंगे. फिर आप बहुत प्यार से धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं. मेरी वीडियो अवेलेबल नहीं थी क्या बीच में? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस यस ऑडिबल है. ऑडिबल है, ओके फाइन. मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ से मोमेंट चेंज है. ओके फाइन. ओके सो कैसा लगा आपको मेडिटेशन? मैंने अभी बहुत लिटरल बिट पार्ट कराया. ऑब्वियसली हमारे साथ थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, ये 1 आवर का सेशन है. बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं करा पाऊंगी. एनी एक्सपीरियंसेस, कुछ कुछ भी कोई अभी शेयर करना चाहे, आई विल गिव यू 1 मिनट इफ एनीबडी वांट टू शेयर समथिंग. यू कैन स्पीक इट आउट इफ यू वांट टू स्पीक. मुस्कान हैंड रेज है आपका, यू वांट टू स्पीक समथिंग. वृति गुप्ता अभी तक टेंशन में है, क्या होने वाला है इस सेशन में. यस वृति जी, अरे यार टेंशन मत लो, बी स्माइलिंग. वृति गुप्ता ओके
जेटी चैट बॉक्स में आ रहे हैं रिप्लाई, यू कैन सी। चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके समान बता दे। ओके ईशानी को आज रियलाइज हुआ कि उसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, वो डॉक्टर बनना चाहती है स्पेशली। हर्षित रहेगा जी बहुत खुश है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। विनय सिंह मैम लव्ड इट, इट वाज रिलैक्सिंग। ओ ग्रेट। आदित्य मैम नाइस सेशन, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ग्रेट। ओके ओके विनय सिंह आई एम लैगिंग इज इट। All fine here. Great. Jagriti Dhingra is there. Okay. Great. बहुत बढ़िया। वैभव ने हाथ रेज किया है। You can ask. जयती वॉइस नहीं आ रहा है। ओके फाइन फाइन। ओके राइट नाउ अभी हम नहीं एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे कुछ चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी वाली बतानी है। 15-20 मिनट में हम वो डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि हम अपने सेशन को टाइम पे स्टार्ट करें और टाइम पे फिनिश करें। ठीक है राइट। ओके ग्रेट ठीक है। ओके आई थिंक वॉइस भी क्लियर है तो मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूंगी। एक पीपीटी के साथ हम इस सेशन को प्रोसीड करेंगे। अब आप लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बहुत देर हो गई, आपकी टांगों वांगों में कहीं दर्द हो गई हो तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, डजंट मैटर। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी को। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट। एचटीसी सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल इज इट, वैभव इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल। No, you are audible now. I'm audible. So, Weber, please check your internet connection. Okay, great. So, now I'm starting. I'm sharing. I'm just doing a little bit effort ki aapko kuch extra de paun. Right. So, I'm starting. Screen share maine kar diya. Aap dekh pa rahe hain. Ye hamari self-focused community hai. Jo ki aapko dikhana chahti hai life skills. Abhi humne यहाँ पे मेडिटेशन और योगा या प्राणायाम करा, बट स्टिल हाँ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तभी मैंने उसी से स्टार्ट किया था। बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। सो सबसे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्माइल। तो कैन आई हैव अ लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस एवरीबडी, स्माइल एवरीबडी, जस्ट हैव अ लिटिल बिट स्माइल। फेक स्माइल भी चलेगी, डजंट मैटर, अगर नहीं आ रही है तो फेक स्माइल कर, मेरे लिए कर दो आज। ठीक है ओके ग्रेट। ओके एचटीसी वाइल्ड लाइफ ने मुझे यहाँ पे फाइल भेज दिया, ग्रेट डजंट मैटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्माइल इज अ की इंग्रेडिएंट फॉर आवर लाइफ। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम जहां भी जाएंगे, जहां भी पूरा दिन हम जहां भी जाना चाहेंगे, हम वहां पे अपने साथ कैरी करेंगे स्माइल को। क्या आप लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं मुझे प्लीज, क्या आप लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं मुझे, इज इट, क्या आप लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं मुझे, चैट बॉक्स में बताइए क्या आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि जहां भी आप जाएंगे अपने साथ स्माइल को लेके जाएंगे। ओके कशिश इज सेइंग यस, ग्रेट बहुत बढ़िया। ओके विनय सिंह प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके ओके बेटा स्कूल बैग तो अभी लेके ही नहीं जाना, स्कूल बैग में कैसे कैरी करोगे, जस्ट कैरी विद You.
ओके निशी जी रेडी है, मैं स्माइल करूंगी ऑलवेज और मैं पूरा दिन अपने साथ कैरी भी करूंगी। न्यू मेंबर वाइल्ड लाइफ मनी है भाई, अच्छा ओके ग्रेट। कुछ भी हाँ, आप अपने साथ मूड शिफ्टर रख सकते हैं जिससे आपको एनी टाइम स्माइल आ जाए, ग्रेट ओके। नेक्स्ट स्माइल इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए सबसे जरूरी है आपकी हेल्थ। अगर आप ठीक रहेंगे तो आप सब काम कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस भी जा सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप सब काम इफेक्टिवली कर सकते हैं अगर आप हेल्थ आपकी परफेक्ट है। इज इट राइट? राइट ओके। तो स्माइल को हम कैरी करेंगे ताकि हमारी हेल्थ जो है वो हमारे पास बहुत सही से अच्छे से रह पाए। एक बहुत प्यारी लाइन है यहाँ पे, मैं चाहती हूँ मेघा जी कैन यू रीड दिस लाइन, दीज आर वेरी स्पेशल लाइन्स। स्माइल इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, स्पार्कलिंग सिस्टम ऑफ आईज, लाइटनिंग सिस्टम ऑफ फेस, रिलैक्सिंग सिस्टम ऑफ माइंड, सो एक्टिव ऑल सिस्टम विद योर स्माइल। बहुत बढ़िया, मतलब अगर आप इस स्माइल को जज करें, जिसका कुछ भी आपको कुछ भी इतना सा भी कुछ पे नहीं करना पड़ता, दिस इज सो सिंपल, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपके हार्ट को हमेशा कूलिंग पोजीशन में रखेगी। स्माइलिंग स्पार्कलिंग सिस्टम ऑफ आईज, आपकी आईज को हमेशा चमकता हुआ, अट्रैक्टिंग आईज रहेंगी अगर आपके फेस पे स्माइल है तो। लाइटिंग सिस्टम ऑफ फेस, आपका जो फेस है, कहते हैं ना कई लोगों के फेस पे बल्ब चमकते रहते हैं, तो आपके फेस पे बल्ब चमकते रहेंगे अगर आपके फेस पे स्माइल होगी। रिलैक्सिंग सिस्टम ऑफ योर माइंड, तो आपका जो माइंड है जो हमेशा स्ट्रेसफुल पोजीशन में रहता है, अगर आप अपने आप को स्माइलिंग पोजीशन में देखेंगे तो फॉर श्योर है कि आपकी जो माइंड की पोजीशनिंग है वो हमेशा रिलैक्सिंग रहेगी, और आपके जो सारे सिस्टम है, आपके जो चक्रास है, आपके ऑर्गन्स है, पूरा का पूरा आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मूव कर सकता है अगर आप अपने साथ स्माइल को कैरी करेंगे। सो अगर आप लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे ओके भेजिए अगर आप इस बात से एग्री करते हैं। ओके तो मतलब हर्षित इज सेइंग कि स्माइल ऑब्वियसली हम सब करेंगे जो गर्ल स्माइल करेंगे, ग्रेट बहुत बढ़िया। मैंने पूरा नहीं पढ़ा आपका मैसेज, इतना इनिशियल पढ़ा है, ग्रेट ओके ओके। लवलीन जी भी तैयार है कि मैं हर समय स्माइल करूंगी, बहुत बढ़िया। नेहा जी सेइंग ट्रू, ये बहुत ट्रू है, बिल्कुल ग्रेट। दिव्यांशी सेइंग ग्रेट। जागृति ढिंगरा इज ऑल्सो सेइंग ओके टू फॉर दिस ओके। एसटीसी वाइल्ड लाइफ वो मना कर रहे हैं, मैं पूरे दिन अपने साथ स्माइल कैरी नहीं कर सकता। ओके लेट्स सी, आपसे मिलेंगे किसी दिन। ओके ग्रेट। तो आइए अब मैं मूव करूंगी सेल्फ फोकस का मतलब क्या है। जो आप लोगों का इनिशियल से एक माइंड में थॉट था ना, इस सेल्फ फोकस का क्या मतलब, सेल्फ फोकस का मतलब है इट मींस अवेयरनेस ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जो आपके अंदर, फोकस ऑन योर इनर, आपके अंदर कौन से थॉट्स चलते हैं, पर्सनल बिलीफ क्या है आपके, इमोशनल आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपका मूड कैसा है, तो दिस इज एक्चुअली सेल्फ फोकस। कि आपको पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी इज इम्पॉर्टेंट। अब ये तो मैंने बता दिया कि सेल्फ फोकस क्या है, अब इसे करना कैसे है मैम, ये भी तो थोड़े से टेंशन की बात है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का चाहिए, इस चीज का भी सोल्यूशन है। एक चीज है हमारे पास, सिर्फ एक चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, एनीबडी कैन टेल, जो भी यहाँ पे बच्चे अवेलेबल हैं, न्यू मेंबर्स आर देयर, क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, एनीबडी कैन टेल? ओके वृद्धि इज सेइंग बी थैंकफुल टू एवरीथिंग, ओके अप्रिशिएटिंग समवन वर्क, ओके विनय सिंह इज सेइंग बहुत बढ़िया, great, any different answers from your side? okay, Vridhi saying thankfulness, ठीक है, great. anybody else, जो भी आपके mind में thought आता है, कोई भी एक word लिख दीजिए, doesn't matter. अच्छा, HTC Wildlife is saying कि ये हमारे syllabus का part नहीं है, great. but पता है, what I have seen, मेरा बेटा first class में है, I have seen कि उसकी ma'am उसको ये सिखा रही थी,
कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए. ओके, कविश इज सेइंग थैंकफुलनेस, ग्रेट, बहुत बढ़िया. सो काफी लोगों को पता है ग्रैटिट्यूड क्या है, तो आइए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ में थैंकफुलनेस को ला सकें. तो हमें इनिशियली सबसे पहले वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस दुनिया में जो हमें लाए हैं. तो वी आर एक्चुअली थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स और हम थैंकफुल होंगे. ओके, हम थैंकफुल होंगे हमारी पास्ट ब्लेसिंग्स के लिए. हमारे साथ आज तक जो भी अच्छा हुआ हम उसके लिए थैंकफुल होंगे. क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? जो भी अच्छा हुआ, हम लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कम आ गए, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं होता, यार क्या करूं, छोड़ो इस पढ़ाई को. मम्मी हर समय बोलती रहती है पढ़ाई कर लो, है ना, हम यही चीज परेशान होते रहते हैं. नहीं, हमें बोलना है वी आर थैंकफुल. जो भी चीज आपको लगता है आपके लिए अच्छी हुई है आप उसके लिए थैंकफुल होंगे. एंड स्पेशली थैंकफुल होना है आपने अपनी हेल्थ के लिए. आप कुछ भी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपके पास दो हाथ दिए हैं भगवान ने, आप कंफर्टेबली सब कुछ जो मन करता है वो बना के खा सकते हो, आप बोल सकते हो, आप चल सकते हो, आप डांस कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो अपनी बॉडी पार्ट से. तो यू शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, राइट. तो ये आप करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड इट विल बी एक्चुअली बेनिफिट टू यू, इट विल एक्चुअली बेनिफिट टू यू, राइट. तो अब ये लाइन आ गई, बिलीव इन योर सेल्फ. ओके, तो मेरे ना मतलब ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड आप लोग जानते ही होंगे, वो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं वो, मैं उनके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ. अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टेक्ट में पर्सनली आए हैं मैं उनकी नोटबुक पे लिख देती हूँ. जनरली मैं फर्स्ट पेज पे ही उनके लिख देती थी, पूरे पेज पे बिलीव इन योर सेल्फ. शायद यहाँ पे भी एक दो स्टूडेंट होंगे जिनके साथ मैंने ऐसा लिखा होगा, अभी सेशन में भी होंगे. तो मैं लिख तो देती थी और पूरा पेज, उनको लगता था मैम हमारा पूरा पेज आपने खराब कर दिया. लेकिन एक्चुअली दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. अगर आप अपने आप में बिलीव कर लेंगे तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, आपको जिंदगी आसान लगने लगेगी. तो आइए, कैसे करना है अपने आप पे बिलीव. बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब, इसका मतलब है टू सी. क्या सी? टू सी योर इनर, अपना इनर, अपना अंदर को जानना, अपने आप को जानना. इट मींस मैंने यहाँ पे स्पेशली सी बनाया, तो सी हमारी बहुत हेल्प करता है. एक तो हमने देखा टू सी इन आवर इनर, हम अपने इनर पे देख पाए. नेक्स्ट है फेथ इन आर इन योर कैपेबिलिटीज. जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं, आप उन्हें देखें, अपने आप पे बिलीव करिए, मैं एबल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन डू एनीथिंग, बिलीव यू कैन डू. आपको बिलीव करना है कि आई कैन डू. अपने आप पे बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस, आपको उसके साथ कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ उसे मैं एक्शन में लाऊंगा. तो बी रेडी फॉर दैट. आपने कैपेबिलिटीज पे फेथ रखना है, बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ, और जो भी करना चाहते हैं उन पे कॉन्फिडेंस रख के उन्हें एक्शन में लाना है, वो चीज करनी है. जो भी आपका मन कहता है, आप अपनी एक मिनट के लिए या दो सेकेंड के लिए आप अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर. डोंट यू नो, यू एक्चुअली डोंट नीड कि आप 20 to 25 minutes के लिए या हाफ एन आवर के लिए मेडिटेशन करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा. आप अगर एक्चुअली में अपने आप पे बिलीव करते हैं, आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपको आंसर मिल जाएगा. हार्डली मैक्सिमम आपको एक मिनट लगेगा, दैट्स इट. ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इस चीज को मान पा रहे होंगे. आई जस्ट फील. ओके, ग्रेट. ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं हमें फोकस कहाँ पे करना है. फोकस करना है हमें अपने आप पे. इज इट इजी? क्या आप लोगों ने मुझे कोई ऑडियो में बता सकता है क्या ये आसान है फोकस करना अपने आप पे? इज इट इजी?
क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, मुस्कान जी और विनय जी हैंड रेज कर रहे हैं। क्या आसान है अपने आप पे फोकस रखना? यस और नो, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। इज इट? अच्छा, ईशानी सेइंग यस, वी कैन फोकस, ग्रेट। प्रीति इज ऑल्सो रेडी फॉर दैट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो आइए हम कैसे फोकस करेंगे ये देखते हैं। अगर हम फोकस करना सीख जाते हैं तो हम अपने इनर को जान पाएंगे, हमें सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, अपने बारे में हम जान पाएंगे और हम सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएंगे, हम अपने हर काम को मैनेज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे सारे के सारे काम मैनेज हो जाएंगे, एक बड़ा अच्छा आंसर मेरे पास आया प्रैक्टिस से, बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने, लवलीन जी ने बोली है ये बात कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजिली ये सारे काम सेल्फ फोकस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक्चुअली में जो ये थैंकफुलनेस है इसके लिए भी 28 डेज की प्रैक्टिस रहती है, जिस प्रैक्टिस के बाद हम इसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं। इज इट? हाँ, कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्शन है बट वही तो हमने सीखना है कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। ओके, ग्रेट। तो इससे हमारा एक और चीज, एक जो सेल्फ लव हमें मिल जाएगा, जब हम अपने आप पे फोकस करेंगे तो हमें सेल्फ लव मिल जाएगा। सेल्फ लव, डोंट लुक फॉर योर वर्थ इन पीपल और प्रोडक्टिविटी। आप अपनी वर्थ दूसरों में नहीं ढूंढेंगे कि कहाँ है आपके वर्थ, नहीं, अपने आप में ढूंढो, यू विल गेट द आंसर। स्पीक टू योरसेल्फ विद ट्रू कंपैशन, अपने आप से आराम से, पोलाइटनेस से, काइंडनेस से बात करके देखो, यू विल गेट द आंसर। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, इसको आपने एक्सेप्ट करना, दिस यू नीड टू एक्सेप्ट, this you need to accept। बहुत बढ़िया। Say no without hesitation। हम लोग सब ना दूसरों से बहुत प्यार करते हैं और कोई भी हमें कोई काम बोल दे हम कभी मना नहीं करते, कभी नहीं, हाँ बोलो मैं कर दूंगी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मतलब unless and until कोई आपका फैमिली मेंबर है तो आप शायद उसे मना नहीं कर सकते, कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है आपका, अदरवाइज स्टार्ट सेइंग नो। मोस्टली लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप नो बोल दीजिए। जैसा कि अभी मैंने मेघा जी को कहा कि अगर कोई सेशन को डिस्टर्ब करना चाहता है आप उसे रिमूव कर सकते हैं, डजेंट मैटर, तो से नो। पुट योर फोन डाउन, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन। एक्चुअली जब आपका मन करता है रात को सोते वक्त, सुबह उठते ही आपके आगे आपका फोन होता है, तो आप अपने फोन को अलग रख दीजिए, जस्ट फोकस कीजिए अपने आप पे, जिससे आपको सेल्फ लव रियलाइज होगा, जिससे आप जान पाएंगे अपने आप, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत अच्छा एक प्यारी सी चीज कर सकते हैं। यहाँ एक मिनट के लिए मैं अपने स्क्रीन शेयर को हटाऊंगी, जस्ट एक चीज के लिए। इसके लिए आप बहुत प्यारी सी चीज कर सकते हैं, दैट इज यू कैन हग योरसेल्फ। You can hug yourself. Please, this is my request. Can you hug yourself? Everybody, can you hug yourself tightly? You can have an amazing feeling. Amazing feeling you can have. This is self-love. कोई आपको hug करने के लिए नहीं है, doesn't matter. Hug yourself. Great. बहुत बढ़िया. Hug yourself. जल्दी से. शर्माना नहीं, मैं नहीं देख रही किसी को भी. Hug yourself. You will have amazing feeling. अमेजिंग फीलिंग आने वाली है आपको, करके देखिए, फॉर सिर्फ 2-3 सेकेंड के लिए अभी आपको करें, आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। सेल्फ लव, दिस इज सेल्फ लव, हग योरसेल्फ। कोई आपकी प्रेज नहीं करता, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने इतना अच्छा काम करके रखा, तो भी आपकी ऑफिस में तारीफ नहीं हुई, ओहो ये बॉस तो कभी तारीफ ही नहीं करता, ओ नो क्या करें यार, कोई बात नहीं। पेट योरसेल्फ, pat your back, yes, great, yes Ishani, you have done well, apne aap ko pat kar lo, yes Jayati, great,
यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, गुड जॉब, यू कैन पेच योर सेल्फ, दीज आर द टू बेस्ट टेक्निक्स. अगर कोई आपकी प्रेयर नहीं करता, आप खुद अपने प्रेयर करिए, यू विल गेट अमेजिंग फीलिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हर्षित इज सेइंग ट्रू मैम, ओ माय गॉड इज इट. तो अगर आप हग करके देखेंगे, आपको अमेजिंग फीलिंग आने वाली है. मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा. अगर रोज करेंगे तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग होगा आपके साथ में. ओके, बहुत बढ़िया. काफी लोगों ने यहाँ मेरे साथ किया भी, थैंक यू सो मच. ओके, तो इसके बाद अब अगर हम ये कर लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है मैम, क्या मिलेगा? ऐसे हमने कर लिया, क्या मिला? आपको पावर ऑफ लव मिलेगी. एक्चुअली में जो पावर ऑफ लव है, ये आपको विरासत में मिलती है अपने पेरेंट्स से, स्पेशली मॉम से. जो हमारी मम्मा होती है, वो हमें सबसे ज्यादा प्यार वाली फीलिंग देती है. मेरी मम्मा ने तो दी है पावर ऑफ लव. जो मुझे मिला है वो मेरी मम्मा से मिला है. मैं किसी के लिए भी कभी भी बैड फील करती थी, कोई मेरे लिए गलत कर जाता था ना, तो भी मैं उसके लिए अच्छा फील करती थी. मैं सोचती थी, इसका आंसर ढूंढती थी, ऐसा क्यों होता है. फिर मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मा ने मुझे एक चीज दी है, प्यार की फीलिंग्स, जिसकी वजह से मुझे ऐसा होता है कि मैं सबके लिए प्यार वाली फीलिंग रख पाती हूँ. तो अगर आपको पावर ऑफ लव मिल जाएगी, तो जो आप लोग चाहते हैं, लविंग योरसेल्फ टू लव अदर्स मोर, अगर आप दूसरों को प्यार करना चाहते हैं, तो भी आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करेंगे. ग्रेट. जिससे कि आप हर किसी के लिए फीलिंग्स ला पाएंगे, प्यार वाली फीलिंग. मतलब ये वो वाला प्यार नहीं है जो मतलब लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है, जरूरी नहीं है, वो भी है, हस्बैंड वाइफ में होता है, या हम अपने पेरेंट्स के सबके साथ. यू कैन हैव अ लव फीलिंग फॉर एवरीवन, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड सबके लिए ऐसी फीलिंग हो सकती है. फील लव फॉर एवरीवन, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्माइल के साथ हम जब ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अमेजिंग फीलिंग आएगी, जिससे हम हमेशा खुश रह पाएंगे. ओके, सो इसके साथ है एक इम्पॉर्टेंट चीज, बस लास्ट ही अबाउट, हम विद इन टू मिनट में हम फिनिश करेंगे सेशन को. एफर्मेशंस, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट आर एफर्मेशंस? मैसेज में आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में. एफर्मेशंस क्या है, प्लीज बी क्विक, कैन यू गिव मी द आंसर, व्हाट आर एफर्मेशंस? हाँ जी, जितने भी एडल्ट यहाँ पे बैठे हैं वो भी बता सकते हैं मुझे, व्हाट आर एफर्मेशंस? कैन यू टेल What are affirmations? No answer is there. Okay, positive feedback. ये मुझे आंसर आया निस्तिम ढिंगरा जी की तरफ से. Okay, ईशानी saying feelings. प्रिया is saying कोई WhatsApp group है. हाँ है, बिल्कुल आपको बता देंगे later on. You can contact me. मेरा फोन नंबर आपके पास स्टेटस में भी अवेलेबल है. Anybody else? What are affirmations? Okay. अभी ज़्यादा मुझे आंसर नहीं मिले हैं. Affirmations are emotions. Okay, great. So Abhinav is saying, "Mama, बहुत cute हो." Thank you so much, Abhinav. Thank you so much for praising me. Okay, I'll give you later on. Doesn't matter. आप जिसके भी कॉन्टेक्ट हैं आप उन्हें पूछ लीजिएगा. Okay, so great, बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं. Affirmation. So आज से आप affirmation पहुंचाएंगे अपने माइंड को. कैसी? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट. ईशानी, कैन यू रीड दिस affirmation? ईशानी, कैन यू रीड दिस affirmation? Is it? Abhinav, you want to say Ishani, something? Ishani, mute hai. Mute hai, Ishani. Just a minute. I'm just doing it. Okay. Ishani, now you can unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. Now, can you read affirmations for me? Yes, ma'am. Okay, great. First, I am confident. Great. Second, I am strong and bold.
थर्ड आई एम हॉनेस्ट फोर्थ आई एम ब्यूटिफुल फिफ्थ आई एम हैप्पी सिक्स्थ आई एम चीयरफुल सेवन आई एम करेजियस एट आई बिलीव इन माई सेल्फ एट आई एम सक्सेसफुल एंड लास्ट आई एम इनर एनर्जेटिक बहुत बड़े ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एफर्मेशन है कि आई एम एनर्जेटिक हमेशा अपने आप को जोश में रखिए अलर्ट में रखिए अलर्टनेस में रहिए हमेशा बी ऑलवेज इन अ अलर्ट पोजिशन तो आप कह सकते हैं अपने माइंड को एक संकेत पहुंचा सकते हैं दैट इज आई एम एनर्जेटिक आई एम एनर्जेटिक आई एम इन एनर्जेटिक तो इसी टाइप की आप कुछ भी एफर्मेशन अपने पास अपनी लिख सकते हैं और उसे साथ ही आप रिकॉर्ड करके रोज रेगुलर बेसिस पे सुन सकते हैं तो आपके साथ अमेजिंग चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में अगर आप ये फॉलो करेंगे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर करिएगा और इसके साथ ही बस अब जस्ट मैं सेशन फिनिश कर रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स आप लोग भी दीजिएगा टू आर पेरेंट्स जिनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं जिनका प्यार हमेशा हमारे साथ है जब भी मैं कोई कदम रखने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा मेरे सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं तू चल मैं तेरे साथ हूँ तो जब वो मेरे साथ होते हैं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता तो स्पेशल थैंक्स टू माय पेरेंट्स इसके साथ ही एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगी क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मेरे दो मम्मी पापा हैं तो स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगी अपने मदर इन लॉ अपने फादर इन लॉ को जिन्होंने उसी तरह मुझे हमेशा ब्लेसिंग दी और अपना प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ यहाँ सामने आपके बैठी हूँ तो थैंक यू टू माई पेरेंट्स और साथ ही स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली माई हस्बैंड नितेश मेहरा जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं और एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड भी हैं तो स्पेशल थैंक्स मैं उन्हें देना चाहूंगी और मेरे दो प्यारे बेटे भविक मेहरा एंड जयन मेहरा जो कि मेरे भाइयों की तरह हैं एक्चुअली जैसे मेरा बड़ा भाई थोड़ा रोब वाला है तो मेरा छोटा बेटा ना रोब जमाता है और मेरा छोटा भाई जो मेरे अपने बच्चे की तरह है छविक अरोड़ा बड़ा भाई गौरव अरोड़ा है उनके लिए भी मैं स्पेशल यहाँ पे कहना चाहूंगी मेरे बच्चे उन्हीं की तरह हैं बड़ा जो मेरा बेटा है वो छोटे भाई की तरह हैं बिल्कुल क्यूट आराम से बात को भी मानता है तो स्पेशल थैंक्स उनके लिए और भी जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मेरी भाभी और मेरे बच्चे कुहू एंड ऑल कुहू एंड डेलिशा तो उनके लिए भी मैं स्पेशल यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगी और यहाँ पे मैं ये स्पेशल मैसेज दे रही हूँ अपने पेरेंट्स को आई एम सो मच ऑफ व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू जो मैंने आपसे सीखा उसी के लिए उसी की वजह से आज मैं कुछ हूँ स्पेशल थैंक्स टू यू यू विल बी विद मी लाइक अ हैंड प्रिंट ऑन माय हार्ट मेरे हार्ट में हैंड प्रिंट की तरह आप हमेशा मेरे साथ हो थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स एंड थैंक यू टू माय कम्युनिटी मेंबर्स स्पेशल थैंक्स है यहाँ पे मेरे कम्युनिटी मेंबर्स अवेलेबल है मेघा जी मुस्कान जी नेहा जी निशी जी और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं ईशानी जी कुहू सरोज जी और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं अगर मैं किसी का नेम मिस कर रही हूँ सॉरी फॉर दैट रिचा जी गौरव जी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थैंक यू सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सपोर्ट स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ग्रेट यहाँ मेरी तरफ से आई थिंक मैंने ज्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए सॉरी फॉर दैट मेरी कोशिश नहीं होती है कि मैं लूँ बट स्टिल सॉरी फॉर दैट कि अगर मैंने आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही अमेजिंग लगा होगा बहुत बढ़िया मजा आया होगा आपको और अगर मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं जो कि टोटली फ्री है कोई भी उन लाइव सेशन को अटेंड कर सकता है तो कभी भी अगर आप लोग अटेंड करना चाहें तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा आई थिंक वैभव विनय जी कुछ पूछना चाहते हैं विनय सिंह आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं मैं सबको अलाउड कर देती हूँ तो आप लोग पूछ सकते हैं जो भी कुछ बोलना चाहता है यू कैन स्पीक नो इश्यू
आप लोग सब अनम्यूट हैं, जो भी आप बोलना चाहें यू कैन स्पीक इट आउट, नो इश्यूज आर देयर. हाँ जी, ये अभिनव का बार बार ट्राई कर रहा है आने के लिए, बट हाँ जी, एनीबडी वांट टू से समथिंग, कैसा लगा आपको सेशन? 144 चैट्स आर देयर ऑन माय वन डिवाइस. ओके विनय जी, हाँ विनय जी आप अनम्यूट हैं, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं. ओके ईशानी जी को बहुत अच्छा लगा. विनय जी कैन यू स्विच ऑन योर ऑडियो? ओके वृति को अच्छा लगा. वृति मैम मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे आपकी स्माइल नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी. सच बात बताऊं मैं आपको नहीं जानती, बट स्टिल मैं चाहती हूँ आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल हो, मैं सच में आई वॉज मिसिंग इट. विनय आप अनम्यूट हो. ओके आई विल जस्ट डू इट अगेन. ठीक है, इज इट फाइन नाउ? कैन यू स्पीक? एक्सक्यूज मी मैम. यस यस विनय. मैम व्हेन डू दीस लाइव क्लासेस यूजुअली हैपन? एक्चुअली इट हैपेंस इन द मॉर्निंग एट 6:30. कैन यू वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग? मैम आपकी वो एक सेकंड. यस मैम श्योर. ओके यू कैन वेक अप. ओके तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास. आई थिंक कैन यू आल्सो सेंड इट ऑन द चैट बॉक्स? या श्योर आई विल जस्ट सेंड इट. ओके एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क समथिंग? एनीथिंग? Anything if you want to ask.